गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे हिंदी लेक्चर लेक्चर नंबर 14। आज हम रिवीजन करेंगे सेंटेंस का और वाक्यों का। फर्स्ट सेंटेंस है, जलेबी बहुत मीठी है। ज ल को एक मात्रा ले, ब को बड़ी की मात्रा बी जलेबी, ब ह को छोटी की मात्रा हु त बहुत, म को बड़ी की मात्रा मी, ठ को बड़ी की मात्रा ठी मीठी, ह को दो मात्रा है, जलेबी बहुत मीठी है। जलेबी बहुत मीठी है, यहाँ आपको नीचे की लाइन में ये वाला सेंटेंस कॉपी करना है और मात्राओं को साथ साथ में बोलते जाना है। जलेबी बहुत मीठी है। ज ल को एक मात्रा ले, ब को बड़ी की मात्रा बी, ब ह को छोटा हु त बहुत, म को बड़ी की मात्रा मी, ठ को बड़ी की मात्रा ठी मीठी है। नेक्स्ट लाइन है, वे खाते पीते और खेलते हैं। व को एक मात्रा वे, ख को आ की मात्रा खा, त को एक मात्रा ते, प को बड़ी की मात्रा पी, त को एक मात्रा ते पीते, और ख को एक मात्रा खे, ल त को एक मात्रा ले खेलते हैं। वे खाते पीते और खेलते हैं, वे खाते पीते और खेलते हैं। व को एक मात्रा वे, ख को आ की मात्रा खा, त को एक मात्रा ते खाते, प को बड़ी की मात्रा पी, त को एक मात्रा ते पीते, और ख को एक मात्रा खे, ल त को एक मात्रा ते खेलते हैं। वह खाते पीते और खेलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, क को एक मात्रा के ला, क को एक मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला केला, ज ल को एक मात्रा ले, ब को बड़ी की मात्रा बी जलेबी, क को एक मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला केला, ज ल को एक मात्रा ले, ब को बड़ी की मात्रा बी जलेबी, स को एक मात्रा सेब सेब, ल को आ की मात्रा ला केला जलेबी सेब ला के ला। यहाँ इस वाली लाइन में आपको ये सेंटेंस लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में और मात्राओं को बोलते जाना है। क को एक मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला केला, ज ल को एक मात्रा ले, ब को बड़ी की मात्रा बी जलेबी, स को एक मात्रा सेब सेब, ल को आ की मात्रा ला केला जलेबी सेब ला। नेक्स्ट लाइन है, बेटा लालटेन जला, ब को एक मात्रा बे, ट को आ की मात्रा टा बेटा, ब को एक मात्रा बे, ट को आ की मात्रा टा बेटा, ल को आ की मात्रा लाल लाल, ट को एक मात्रा टेन लाल टेन, ज ल को आ की मात्रा ला ज ला, ब को एक मात्रा बे, ट को आ की मात्रा टा बेटा, लाल लाल, ट को एक मात्रा टेन लाल टेन, ज ल को आ की मात्रा ला जला, बेटा लालटेन जला। नेक्स्ट लाइन है, क को रू की मात्रा क्रू श क कृषक, क को रू की मात्रा क्रू श क कृषक, क को रू की मात्रा क्रू श को बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा शी कृषि, क र त को आ की मात्रा ता करता, ह को दो मात्रा है, कृषक कृषि करता है। ये वाली लाइन के अंदर आपको अच्छी हैंडराइटिंग में सेंटेंस लिखना है और इसे रीड करना है, कृषक कृषि करता है। ह र को एक मात्रा रे हरे, भ र को एक मात्रा रे भरे, और व को रू की मात्रा वृक्ष, ह रे भ रे वृक्ष, ह को ह र को एक मात्रा रे हरे, भ र को एक मात्रा रे भरे, और व को रू की मात्रा वृक्ष वृक्ष। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, यहाँ पे प प को उ की मात्रा पू, ज को आ की मात्रा जा, र को बड़ी की मात्रा री पुजारी, प को बड़ी की मात्रा फूल फूल, ल को आ की मात्रा ला, य को आ की मात्रा या लाया, पुजारी फूल लाया, म छ ल को बड़ी की मात्रा ली मछली, र को आ की मात्रा रा, न को बड़ी की मात्रा नी रानी, न को बड़ी की मात्रा नी, ल को आ की मात्रा ला नीला, प को आ की मात्रा पा, न को बड़ी की मात्रा नी, म छ ली, र को आ की मात्रा रा नी रानी, नी ला पानी, म छ ल को बड़ी की मात्रा ली मछली, र को आ की मात्रा रा, न को बड़ी की मात्रा नी रानी, न को बड़ी की मात्रा नी, ल को आ की मात्रा ना नीला, प को आ की मात्रा पा, न को बड़ी की मात्रा नी मछली रानी नीला पानी। यहाँ पे आपको ये वाला सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट लाइन है, हरी ककड़ी लाया, यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ लिखना है और कैसे बोला जाएगा, ह र को बड़ी की मात्रा री हरी, ह र को बड़ी की मात्रा री हरी,
क क ड को बड़ी की मात्रा डी ककड़ी हरी ककड़ी ल को आ की मात्रा ला य को आ की मात्रा या लाया हरी ककड़ी लाया हरी ककड़ी लाया ह र को बड़ी की मात्रा री क क ड को बड़ी की मात्रा डी ककड़ी ल को आ की मात्रा ला य को आ की मात्रा या लाया हरी ककड़ी लाया। नेक्स्ट लाइन है ब को आ की मात्रा बा ल को आ की मात्रा ला बाला क को आ की मात्रा का ल को आ की मात्रा ला काला छ को आ की मात्रा छा त को आ की मात्रा ता छाता ल को आ की मात्रा ला य को आ की मात्रा या लाया बाला काला छाता लाया ब को आ की मात्रा बा ल को आ की मात्रा ला बाला क को आ की मात्रा का ल को आ की मात्रा ला काला छ को आ की मात्रा छा त को आ की मात्रा ता छाता ल को आ की मात्रा ला य को आ की मात्रा या बाला काला छाता लाया। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट लाइन है बच्चों यहाँ पे क क को छोटी की मात्रा की र न किरण क को छोटी की मात्रा की र न किरण स को आ की मात्रा सा ई क को छोटी की मात्रा की ल साइकिल च ल को आ की मात्रा ला चला किरण साइकिल चला क को छोटी की मात्रा की र न किरण स को आ की मात्रा सा ई क को छोटी की मात्रा की ल साइकिल च ल को आ की मात्रा ला चला किरण साइकिल चला। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे इस वाली लाइन में आपको मात्राओं के साथ में बोलते बोलते वाक्यों को लिखना है। नेक्स्ट लाइन है क म ल को आ की मात्रा ला कमला ग म ल को आ की मात्रा ला गमला ल को आ की मात्रा ला कमला गमला ला क म ल को आ की मात्रा ला ग म ल को आ की मात्रा ला कमला गमला ला कमला गमला और अल्लाह। नेक्स्ट लाइन है बच्चों यहाँ पे न को आ की मात्रा ना न को बड़ी की मात्रा नी नानी अ आ से आम यानी आ और बड़ी की बड़ी से इक नानी आई न को आ की मात्रा ना ब न को बड़ी की मात्रा नी नानी आई आ अ को बड़ी की मात्रा ई ल को बड़ी की मात्रा ली च को बड़ी की मात्रा ची लीची ल को आ की मात्रा ला और ई से बड़ी से इक यानी नानी आई लीची लाई नानी आई लीची लाई। यहाँ पे आपको ये वाला सेंटेंस लिखना है नानी आई और लीची लाई। नेक्स्ट लाइन है म छो ल को बड़ी की मात्रा ली मछली ज ल जल क को बड़ी की मात्रा की जल की मछली जल की रानी है मछली जल की रानी है। नेक्स्ट लाइन है मछली जल जल की रानी। नेक्स्ट लाइन है भूख मिट गई भ भ को बड़ी की मात्रा भी मछली जल की रानी है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे भ भ को बड़ी की मात्रा भूख भूख म को छोटी की मात्रा मीट मीट ग ई भूख मिट गई भ को बड़ी की मात्रा भूख भूख म को छोटी की मात्रा मीट मीट गई भूख मिट गई। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे र को आ की मात्रा रा ज को बड़ी की मात्रा जू राजू र को आ की मात्रा रा ज को बड़ी की मात्रा जू राजू डमरू डमरू ब ज को आ की मात्रा जा त को आ की मात्रा ता बजाता है र को आ की मात्रा रा ज को बड़ी की मात्रा जू राजू डमरू ब ज को आ की मात्रा जा त को आ की मात्रा ता बजाता है राजू डमरू बजाता है राजू डमरू बजाता है। हम रू इस तरह से भी लिख सकते हैं और नीचे हम ऐसे हम बड़े ऊ की मात्रा बनाते हैं ना वैसे भी हम बना सकते हैं। तो ये लिखा है राजू डमरू बजाता है। यहाँ ये वाली लाइन में आपको ये वाला सेंटेंस लिखना है र को आ की मात्रा रा ज को बड़े ऊ की मात्रा जू राजू डमरू ब ज को आ की मात्रा जा त को आ की मात्रा ता बजाता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे क क को छोटी की मात्रा की स को बड़ी की मात्रा सी किसी क को छोटी की मात्रा की स को बड़ी की मात्रा सी किसी स को एक मात्रा से ध को रू की मात्रा रू ध्रु अण को आ की मात्रा अणा ध्रु अणा म त मत क र को ओ की मात्रा रो ये मात्रा हमारी अभी बाकी है एक्सप्लेन करने की। फिर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इस मात्रा को क्या बोला जाता है। तो लिखा यहाँ पे किसी से द्रुणा मत करो किसी से द्रुणा मत करो। नेक्स्ट लाइन है वह कसरत वह कसरत कर र ह को की मात्रा हा रहा है वह कसरत कर रहा है वह कसरत कर रहा है वह कसरत कर रहा है
ये जो नीचे की लाइन है वहाँ पे आपको इस लाइन में ये वाला सेंटेंस लिखना है और इसे बोलना भी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, यहाँ पे एक जैसी मात्राओं पे गोला बनाइए। क्या है? एक जैसी मात्राओं पे गोला बनाइए। स्टार्ट करें बच्चों हम। फर्स्ट लिखा है क को आ की मात्रा का, यहाँ पे लिखा है क को आ की मात्रा का। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है क को आ की मात्रा का। इस लाइन में जो भी का को आ की मात्रा होगी उस पर हम गोला बनाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आ की मात्रा है तो ये वाली लाइन में जो भी आ की मात्रा होगी उस पर हम सर्कल बनाएंगे। क्या लिखा है? क को आ की मात्रा का। यहाँ पे सेम लेटर्स है, वैसी एक्सरसाइज है। अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। पहले लिखा है यहाँ पे क को आ की मात्रा का, ये क को छोटी की मात्रा की, क को आ की मात्रा का, क को छोटा उ कु। तो हम किस पे गोला बनाएंगे? यस, हम इस पे इस तरह से सर्कल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ख को छोटी की मात्रा खी। तो लिखा है यहाँ पे ख को छोटा उ खु, ख को बड़ा उ खु और ख को छोटी की मात्रा खी। सेम है, इस तरह से आपको इस पे क्या बनाया है, इस तरह से सर्कल बनाना है। नेक्स्ट है ग को बड़ी की मात्रा घी। ग को बड़ी की मात्रा घी, ग को बड़ी की मात्रा घी, ग को एक मात्रा गे, ग को बड़ी की मात्रा घी, ग को एक मात्रा गे, ग को ओ की मात्रा गो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ग को बड़ी की मात्रा घी पे क्या करना है, इस तरह से गोला बनाना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ख को बड़ा उघू घ, घ को आ की मात्रा घा, घ को बड़ी उ की मात्रा घू। तो सेम ढूंढना है हमें, यहाँ पे इस तरह से सर्कल बनाना है। चौको छोटे उ की मात्रा चू, चौको बड़ी की मात्रा ची, चौको छोटी की मात्रा ची, चौको छोटा उ चू। तो हमें इस तरह की मात्रा ढूंढ पे उस पर क्या बनाना है, इस तरह से गोला बनाना है। ओके, आ रहा है समझ में? छ छ, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हमें यहाँ पे बिना मात्रा वाला छ ढूंढना है कि बिना मात्रा का व्यंजन ढूंढना है। छ जा, ज को आ की मात्रा जा, झ को आ की मात्रा झ और यहाँ पे क्या है, इस तरह से छ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ट को आ की मात्रा टा। क्या लिखा है? ट को आ की मात्रा टा। तो ट को आ की मात्रा टा, ट को बड़ी की मात्रा टी और ट। तो क्या है ये, आ की मात्रा कहाँ पे है, यहाँ पे, इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पे ड को बड़े की मात्रा डू, ड को बड़े की मात्रा डू, ड को बड़ी की मात्रा डी, ड को एक मात्रा डे। तो ड को बड़े की मात्रा डू, तो यहाँ पे इस तरह से क्या बनाएंगे हम, इस तरह से सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अण को आ की मात्रा अणा। तो लिखा है यहाँ पे अण को बड़ी की मात्रा अणी, अण को छोटी की मात्रा उणु और ये अण को आ की मात्रा अण। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे थ को एक मात्रा थे। क्या लिखा है? थ को एक मात्रा थे। तो लिखा है यहाँ पे थ को आ की मात्रा था, थ को छोटी की मात्रा थी, थ को एक मात्रा थे। थ को एक मात्रा थे है तो हमें वैसे ही ढूंढ के उस पर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। यहाँ पे लिखा है थ को एक मात्रा थे, तो इस पर हम क्या बनाएंगे, इस तरह से गोला बनाएंगे। ओके, आ रहा है बच्चों समझ में? नेक्स्ट है यहाँ पे नौ को रू की मात्रा नरू। क्या लिखा है यहाँ पे? नौ को रू की मात्रा नरू। क्या लिखा है? नौ को रू की मात्रा नरू, नौ को रू की मात्रा नरू, प्रू और थ्रू। तो क्या हुआ का, ये वाले पे ऊ की मात्रा है, उस पर हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सेम मात्रा है बट हमें अभी जो यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं मात्रा वाले, उसको सेम ढूंढ के उस पर सर्कल बनाना है। ठीक है बच्चों, जब कोई उसमें चेंजेस आएंगे तो मैं आपको पहले से बताऊंगी। यहाँ पे लिखा है पको एक मात्रा पे, पको एक मात्रा पे, पको आ की मात्रा पा, पको बड़ी की मात्रा पी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मात्रा पे गोला बनाएंगे। उसके बाद है फ को बड़ी की मात्रा फी, फको आ की मात्रा फा, फ को बड़ियों की मात्रा फू, फ को छोटियों की मात्रा फू। तो बड़ी की मात्रा है तो उस पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे फ को बड़ी की मात्रा फी। यहाँ पे फ को, यहाँ पे फ को बड़ियों की मात्रा है, यहाँ छोटियों की मात्रा है और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इस तरह से गोला बनाएंगे। ओके, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है ब को आ की मात्रा बा। तो पहले मात्रा लिखी यहाँ पे ब को बड़ी की मात्रा बी, ब को छोटा उबू और ब को आ की मात्रा बा। तो ये सेम है तो उस पर हम ऐसे ढूंढ के गोला बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे म को बड़ी की मात्रा मी, म को आ की मात्रा मा, म को बड़ी की मात्रा मी, म को बड़ा उ मू। तो मात्रा बनेगी यहाँ पे मी, तो यहाँ पे ढूंढ के इस तरह से गोला बनाएंगे। र को आ की मात्रा रा, र को आ की मात्रा रा, र को बड़ी की मात्रा री और र को रू की मात्रा रू। तो यहाँ पर र को आ की मात्रा रा सेम है, उस पर हम इस तरह से गोला बनाएंगे। उसके बाद है ल, ल को बड़ी की मात्रा ली,
ल को आ की मात्रा ला और ल, तो इस तरह से सेम जो है उस पर हम इस तरह से गोला बनाएंगे। लास्ट है यहाँ पे सौ, सौ यानी यहाँ पे लिखा है सौ को बड़ी की मात्रा सी, सौ को छोटी की मात्रा सी और यहाँ पे लिखा है सौ, तो उस पर क्या करेंगे इस तरह से गोला बनाएंगे। ओके बच्चों, हाँ समझ में आ गया। इसके अंदर सेम मात्रा और सेम व्यंजन दिए गए हैं, यानी जैसे रास है तो रा पे गोला बनाना है, ल है तो ल पे गोला बनाना है, बा है तो बा पे गोला बनाना है। इस तरह से इसे इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है, इसको नोटबुक के अंदर टू टाइम लिखना है, उसके बाद आपको इसे देखे बिना लिखना है। आज हम कुछ वर्ड्स जो हमने आगे बारकड़ी करवाई हुई है उसके शब्दों का रिविज़न करेंगे बीच बीच में से। त को एक मात्रा, ते ल आपको बोलना है, मैं भी साथ में बोलती जाऊंगी और ये नोटबुक में लिखना है टू टाइम्स। त को एक मात्रा ते ल तेल, त को एक मात्रा तेल। ब को एक मात्रा बेर बेर, ब को एक मात्रा बेर। ट को आके मात्रा टा बेटा। स को एक मात्रा सेठ सेठ। च च को एक मात्रा चे, ल को आके मात्रा ला चेला। न को एक मात्रा नेत्र नेत्र। म को एक मात्रा मे, थ को बड़ी की मात्रा थी मेथी। ठ ठ को एक मात्रा ठे, ल को आ की मात्रा ला ठेला। क्ष को एक मात्रा क्षे, त्र क्षेत्र। प ह को एक मात्रा हे ली, ल को बड़ी की मात्रा ली पहेली। स फ को एक मात्रा फेद सफेद। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे द, द को एक मात्रा दे व, त को आ की मात्रा ता देवता। नेक्स्ट है यहाँ पे ब, र को एक मात्रा रे, ल को बड़ी की मात्रा ली बरेली। स प को एक मात्रा पेरा सपेरा। ल को एक मात्रा ले न, द को एक मात्रा देन रेल देन। और लास्ट है र को एक मात्रा रे ल, घ को आ की मात्रा गा, ड को बड़ी की मात्रा डी गाड़ी रेल गा। और शब्द हैं बच्चों यहाँ पे म को रू की मात्रा मृग मृग, व को रू की मात्रा वृक्ष वृक्ष, म को रू की मात्रा मृ और द को छोटे की मात्रा दु मृ दु। क्या है? म को रू की मात्रा मृ, द को छोटे की मात्रा दु मृ दु। क को छोटी रू की मात्रा क्रुश क्रुश। म को रू की मात्रा मृत मृत। न को रू की मात्रा नृप नृप। न को रू की मात्रा नृप नृप। नेक्स्ट है यहाँ पे क को रू की मात्रा क्रु। क्ष स को छोटी की मात्रा शी कृषि। त को रू की मात्रा ऋण तृण। र को रू की मात्रा ऋण ऋण यानी ऋषि है, फिर उसमें रू की मात्रा की है तो ये बनेगा ऋण। क को रू की मात्रा रू क्रु। श आधा अण, इसको जोड़ दिया है क्ष और अण को, तो बनेगा कृष्ण। क्या बनेगा? कृष्ण। नेक्स्ट है यहाँ पे हृदय, यहाँ पे रू की मात्रा लगाई है तो ये बोला जाएगा र द य। क्या बोला जाएगा? हृदय। नेक्स्ट है यहाँ पे प को रू की मात्रा प्रु थ क पृथक। प को रू की मात्रा प्रु थ क पृथक। नेक्स्ट है यहाँ पे क को रू की मात्रा क्रु श क कृषक। अ म को रू की मात्रा मृत अमृत। क को रू की मात्रा क्रु तघ्न कृतघ्न। क को रू की मात्रा क्रु। प को आ की मात्रा पाल को छोटे की मात्रा लु कृपालु। क को रू की मात्रा क्रु। प को आ की मात्रा पाण कृपाण। और लास्ट वर्ड है यहाँ पे म को रू की मात्रा मृदंग मृदंग। क्या है? मृदंग। कौन से शब्द अभी हमने किए? रिवाइज करो। त्रोण ऋण कृष्ण हृदय पृथक अमृत कृतघ्न कृपालु कृपाण और मृदंग। आ रहा है बच्चों समझ में? आपको किस तरह हम कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि रू की मात्रा थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज करें। क क को रू की मात्रा रू। प को आ की मात्रा पा क्रू पा। व को रू की मात्रा व्रु। थ को आ की मात्रा था वृथा। प को छोटी की मात्रा पी। त को रू की मात्रा रू पितृ। ध को रू की मात्रा ध्रु त ध्रुत। ध को रू की मात्रा ध्रु अणा ध्रुणा। व को रू की मात्रा रू वृक्ष। म को रू की मात्रा मृ। त को छोटे की मात्रा ध्रु मृदु। और क को रू की मात्रा कृश कृश। म को रू की मात्रा मृ त मृत। त को रू की मात्रा तृण तृण। र को रू की मात्रा ऋण ऋण। क्र क को रू की मात्रा कृष्ण कृष्ण। हृदय र ह उसको र की मात्रा वहाँ पे बनेगा हृदय।
नेक्स्ट बनेगा यहाँ पे। आगे बच्चों समझ में किस तरह से हमने शब्द ली, इसको सबको आपको अच्छे से रीड करना है और नोटबुक में टर्म से हम टू टाइम लिखना है। ओके, थैंक यू।